राधे राधे सभी मित्रों को। भैया जी हम लेकर के आए हैं प्लाट, अपना विलेज है मीतपुर, तहसील रामनगर, जिला बाराबंकी, और ये प्लाट है 3.5 बीघे का पैच है। ये अपना यहाँ से लेकर के है भैया जी, ये जो इधर बल्ली देख रहे हैं जो लगी हैं, ये इस तरफ वाली मेड़ पे लगी हैं, और सामने एक गांव है वहाँ पे आबादी है, आगे सामने वहाँ पे एक काली रोड है जो अपने गणेशपुर से महादेवा के लिए निकली है, और यहाँ से जो गोंडा बैराज हाईवे है उसकी दूरी है 1 किलोमीटर पर जाएगा यहाँ से ना। सीधा जाना तो आधा किलोमीटर, अरे सीधा तो 500 मीटर है पर घूम करके जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर पड़ेगा इस जमीन से जो गोंडा बहराइच हाईवे है, चौका घाट रेलवे स्टेशन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है इस प्लाट से, और ये 3 बीघे का पैच है। वो जनरल कास्ट की जमीन है भैया जी, खेतीकार वाली जमीन है, और देख लीजिए फसल लगी हुई है, धान नंबर 1 का लगा हुआ है, और पीछे लास्ट दिखा रहे हैं जो बल्ली लगी है वहां तक के जा तो पाएंगे नहीं, चारों तरफ से धान लगा हुआ है भैया जी, जूम करके दिखा देते हैं यहाँ से, ये देख लीजिए जो बल्ली लगी हुई है जितना ये पीला धान दिख रहा है, ये 3.5 बीघे का पैच है। पीछे सामने देख लीजिए जो बल्ली लगी हुई है 4-5 ठोरी, वही वाली पिछली वाली मेड़ है, यानी जितना ये पीला धान लगा है यही अपना पैच है, और इस तरफ की ये वाली मेड़ है, और इस तरफ की ये वाली है सामने, ये देख लीजिए अपने पूरे प्लाट में पीला धान लगा है, यानी काटने वाला धान हो गया ना भैया, काटने वाला हो चुका है अभी, लगा नहीं लगा है इसमें काटने का, सामने गलियारा का। और ये कच्चा चकमार्क है, काली रोड से मान के चलिए 150-200 मीटर अंदर पड़ेगा कच्चे चकमार से, गांव के और हाईवे के बीच में पड़ेगा ये वाला प्लाट भी है। यहाँ से निकल करके हम दिखा देते हैं, वो वहाँ पे ईंट वाला खड़ंजा है ना, हाँ, कच्चा 50 मीटर। और इस तरफ की ये वाली मेड़ है जो सीमेंट वाला खंभा लगा है, ये वाली सीधा मेड़ चली गई पीछे, फिर से जूम कर देते हैं पीछे वाली मेड़ देख लीजिए, ये जो बल्ली दिख रही है वो पीछे वाली मेड़ है, और यही पूरा प्लाट मिलेगा 3.5 बीघे का। आने जाने का कच्चा चक रोड है, यानी अपना साधन आ सकता है जा सकता है बढ़िया, सामने वहाँ पर एक गांव है, और ये जो काफ़ी जो पेड़ दिख रहे हैं वहाँ पे, ये जूम कर देते हैं, ये सामने वो जो गाड़ी जा रही है वहाँ पे, आगे गणेशपुर मार्केट है जो लकड़ मंडी, और इस तरफ में हाईवे पड़ेगी गोंडा बहराइच हाईवे। ये प्लाट हम चल करके रास्ता भी दिखा देते हैं, ये इधर सरकारी तालाब है, और ये प्लाट है अपना, तालाब के बगल से रास्ता है, ये चकमार्क है ना भैया,
यही चकमाक अपने खेत पर तक गया है। खेती कार वाला प्लाट है, खेतिया हो सकती है बढ़िया। नंबर एक की सारी फसल होगी इसमें, दोनों फसल होंगी। ये ईंट वाला खड़ंजा है, सामने इधर चले जाओगे सीधा तो 200 मीटर की दूरी पर यहाँ काली रोड है, जो अपने गणेशपुर और महादेवा पुलिस चौकी से गणेशपुर को आई है, अपने गणेशपुर से महादेवा के लिए निकली है। और इधर हाईवे पड़ेगा जो गोंडा बैराज हाईवे है, उसकी यहाँ से दूरी है मान के चलिए 1 किलोमीटर की। और ये ईंट वाला खड़ंजा है काफ़ी चौड़ा वाला, और वहाँ पे अपना प्लाट है ये सरकारी तालाब के बगल में, जस्ट बगल में। फिर से जूम कर देते हैं, देख लीजिए ये वाला प्लाट है अपना, जो एक पेड़ लगा हुआ है ये अपने प्लाट के मेड़ पे लगा हुआ है। ये प्लाट है 3.5 बीघे का पैच है, इसका रेट है भैया जी 3.5 लाख रुपए बीघा की मांग जांच है पार्टी की। पुस्तैनिक जमीन है भैया, सामने इधर भी गांव है निजामुद्दीन प्रवाह। अच्छा, ये मीतपुर में आता है। अच्छा, मोड़ला वाली गाड़ी मोड़ला भैया, जिस भैया जी के समझ में आ रहे देख लीजिए, खेती कार वाला बढ़िया नंबर एक का प्लाट है, दोनों फसल होंगे यहाँ पर। यहाँ बाढ़ का पानी वानी का कोई संभावना नहीं। काफी चौड़ी रोड भी है ये, यहाँ पे धान की कटाई हो गई है, उधर अभी लगा नहीं लगाया काटने के लिए। एरिया देख लीजिए, दिखा देते हैं चारों तरफ की, जिस भैया जी के समझ में आ रहा था ये प्लाट बढ़िया ले सकते हो नंबर एक का। और अपने मार्केट के हाईवे के बीच में प्लाट है, कहीं से आते हो गोरखपुर बलिया लखनऊ कहीं से आओ, अपना हाईवे से बस 1 किलोमीटर आना होगा इस प्लाट के लिए। लोकेशन भी मस्त है, 2 गांव के बीच में प्लाट है, और प्लाट से मार्केट की दूरी है मान के चलो वही 600-700 मीटर की, जो अपना गणेशपुर मार्केट है और लकड़ मंडी है। इसके बाद में और भी बढ़ सकता है यहाँ पे, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं सभी मित्रों को। राधे राधे।